बात करते हैं ब्यूरो चीफ सुनील जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील जी, अगर आज की तस्वीर हम देखें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। जहां बीजेपी की हम बात करें, लंबे समय से बाबूलाल गौर पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करें तो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, लेकिन आज तो कांग्रेस का झंडा थामे हुए मंच पर हमें दिखे। क्या कुछ मायने निकाले जाए इसके? बिल्कुल मृदुला, हम बात यहाँ पर करें तो जिस प्रकार से बाबूलाल गौर पिछले लंबे समय से, जब से उनको गृह मंत्री के पद से हटाया गया है, तब से कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार से खफा चल रहे हैं। और यही वजह है कि वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर सरकार मुश्किल में आती है। और कुछ यही वजह है कि इस प्रकार के उनके क्रियाकलाप भी बाबूलाल गौर साहब के पिछले दिनों से हैं, जिससे सरकार और संगठन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो आज की अगर हम ये तस्वीरों की बात करें तो जश्ने आजादी, जो कि हर साल कांग्रेस के विधायक हैं राजधानी भोपाल के आरिफ अकील, उनके नेतृत्व में ये निकाली जाती है जश्ने आजादी, एक रैली निकाली जाती है। और उस कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल गौर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के साथ मंच पर नजर आते हैं और कांग्रेस का झंडा हाथ में थामे नजर आए। सुनील जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, बाबूलाल गौर को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, संगठन के नेता उनसे मिलने पहुंचते हैं। हालांकि बाबूलाल गौर इस बात से साफ इनकार करते हैं कि वो कभी कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन आज वो कांग्रेस का झंडा फहराते हुए में तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो क्या ये तस्वीर नए सियासी समीकरण, मतलब प्रदेश में आने वाले हैं? देखिए मृदुल, अगर यहाँ पर सियासी तस्वीर की बात करें तो तस्वीर जरूर चौंका देने वाली है। बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जरूर आश्चर्यचकित कर सकती है तस्वीर। लेकिन बाबूलाल गौर से क्योंकि हमारी लगातार बात हुई है, उस दौरान भी उनसे हमारी बात हुई थी, जब मंत्रिमंडल से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो उनका साफ कहना था कि पूरा जीवन उन्होंने भाजपा को खड़ा करने में लगाया है और अब जीवन के इस पड़ाव पर वो पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जश्न आजादी जो रैली थी वो लगा यहाँ पर झंडा दिखाकर इन लोगों ने, तमाम नेताओं ने और धर्मगुरु हैं, धर्म विशेष के तमाम धर्मगुरु हैं, उन्होंने इस रैली को रवाना किया। तो उस दौरान किसी कार्यकर्ता ने बाबूलाल गौर के हाथ में भी कांग्रेस का झंडा यहाँ थमा दिया, क्योंकि दूसरे झंडे नहीं थे और कांग्रेस का झंडा दिखाकर ही यहाँ पर रैली को रवाना किया गया। तो तस्वीर जरूर चौंका देने वाली और असहज लग रहे हैं बाबूलाल गौर, लेकिन कांग्रेस का झंडा उनके हाथ में है और उसको ही लहराकर उन्होंने रैली को रवाना किया है, दूसरे कांग्रेसी नेता और धर्मगुरुओं की ही तरह उन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी तमाम बातचीत के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि उन्होंने पूरे घटनाक्रम को साफ तौर पर समझाया है किस तरीके से यहाँ जश्न आजादी का कार्यक्रम था और तमाम धर्म गुरु यहाँ पर खड़े हुए थे, सभी के हाथ में झंडे थे, लेकिन बाबूलाल गौर के हाथ में कुछ नहीं था, तो उन्हें किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस का झंडा पकड़ा दिया। हालांकि झंडा लहरा रहे हैं मंच पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और यही तस्वीर अब सियासी समीकरण आने वाले समय में बदलेगी, ये बड़ा सवाल हमारे बीच में, हमारे जहन में बना हुआ है। हालांकि अगर बाबूलाल गौर की बात करें तो उनसे ind24 ने खास बातचीत भी की थी और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो उम्र के इस पड़ाव में मौजूद हैं जहां वो किसी और पार्टी का रुख नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जरूर सोचने वाली है।